Hello everybody, good afternoon and welcome to UGC NET RR 24/7. I'm Professor Ishwarya Puri और हम solve कर रहे हैं हमारे paper 2 के सबसे important topics को for the September 2022 attempt with a crash course. सबसे पहले आप सबको बता दूं 3:45 पे मेरे साथ जरूर जुड़ना. इसी पेज पे एक दूसरी क्लास लगेगी, ठीक है. वो दूसरी क्लास इंग्लिश की नहीं है, बेसिकली हम आपके लिए नया सरप्राइज लेकर आए हैं. सो बहुत से लोगों की डिमांड्स थी बेसिकली यूजीसी नेट में कॉमर्स और मैनेजमेंट की नई फैकल्टीज की डिमांड थी. अ लॉट ऑफ पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दी सब्जेक्ट्स. सो अगर आप भी पर्सनली किसी को जानते हो जो यूजीसी कॉमर्स या मैनेजमेंट से क्लियर करना चाहते थे एंड दे वर वेटिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म, सो आई टोल्ड यू एट दिस पेज, यू नो, एट अरा 24/7 हम आपको हर चीज़ का एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी. सो यही मैं आपको कहना चाहूँगी कि फटाफट से फटाफट से जो है 3:45 मेरे साथ एक दूसरी क्लास इसी पेज पे होगी, उसमें जुड़ जाना और वहाँ पे हम रिवील करेंगे कि हमारी जो नई फैकल्टीज हैं वो कौन है, ठीक है गाइज. तो ये कर लेंगे. हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून. हाय रुपिंदर, हाय नेहा, रीना, सुषमा, सूरज, अंजलि, आशीष, रिजवान, कैसे हैं सबके सब भाई? और बताओ. हाय कशिश, आई सॉ योर मैसेज, यू आर अ न्यू स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द क्लास एंड आई होप इस क्रैश कोर्स के थ्रू, इन क्लासेस के थ्रू जो है आपको अपने सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए बेनिफिट मिलेगा और आपको दिसंबर अटेम्प्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सितंबर ही आपका क्वालिफाई हो जाए. सो आई रियली होप दैट फॉर यू. हेलो, हाय कोमल, हाय हाय सोनम, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. चलो शुरू करते हैं. हाँ, आप कशिश, आर यू इन द पेड क्लासेस, ऑनलाइन बैच में हो या यूट्यूब क्लासेस ये अटेंड कर रहे हैं? हाँ जी, ऑल राइट. चलो शुरू करते हैं आज की क्लास. आज की क्लास में मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे, एक सेकंड, अरे ये चल ही नहीं रहा गाइस, एक सेकंड रुकिए, शायद हैंग हो रही है हल्की सी ये जो फाइल है हमारी. I'm so sorry for this. Sorry, file अटक गई है यहाँ पे. I'll just call somebody from the technical team. तब तक आप लोग जरा, आपका homework मैंने दिया था कल का. Homework हम लोगों ने कल का कुछ किया था क्या, एक बार check कर लें. जब तक थोड़ा time kill कर लेते हैं फटाफट से. हाँ जी, कल होमवर्क था या नहीं था? जॉन मिल्टन की क्लास में, अच्छा सॉरी, हाँ, लिटरेरी पीरियड्स ऑफ जॉन मिल्टन. यस, ये अटक गई है, लाइव क्लास चल रही है. हाँ जी, जॉन मिल्टन की क्लास में मैंने आपको बोला था कि हमने जॉन मिल्टन के जो लिटरेरी एजेस हैं उनको जो है बेसिकली डिस्कस करना है, ठीक है. सो सुषमा का आंसर आया है इस पे, उसके बाद आई कैन सी एम कुमार का आंसर है और अंजलि का आंसर है. हाँ जी, स्टार्ट करना पड़ेगा. गाइज, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है. मैं आप लोगों के आंसर्स रीड करती हूँ तब तक. अच्छा सर, तीन लोगों के आंसर्स आए हैं यार, अंजलि का, एम कुमार एंड अंजलि, एन कुमार एंड सिर्फ सुषमा. सिर्फ आप लोगों के आंसर्स आए यहाँ भाई, क्यों? पहली बात तो मुझे ये बताइए कि ये क्या बात हो गई, आप लोग लाइव क्लासेस में हम लोग इतना डिस्कस करते हैं चीज़ों को एंड देन जब होमवर्क की बात आती है आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो, ये क्या बात है? ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है. और मैं आपको फिर से एक बात बोल रही हूँ, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है. जितने लोग इस वक्त रोज़ अपना होमवर्क करके आ रहे हैं उन, वो लोग एक स्टेप अहेड होंगे. और मैं चाहती हूँ आप लोग दिसंबर अटैम्प्ट तक आपका स्ट्रेस ही ना रहे, सेप्टेम्बर अटैम्प्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए, दिसंबर तक की बात ही ना रहे. तो ये यार थोड़ा सा अपना चेंज करो एटीट्यूड इस चीज़ को लेकर. सैटरडे वाली क्लास का भी बिल्कुल होमवर्क है, वो भी देखना है. ये एटीट्यूड आप लोगों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा गाइस. इस तरीके से आप लोग अगर इनअटेंटिव रहे क्लास में, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू एनीबॉडी,
जेकोबिन ड्रामेटिस वाली क्लास लास्ट हमने ली थी। हाँ जी, द प्रिंस एम कुमार, आशीष, अंजलि, कोमल, एक सेकेंड गाइस, हाँ जी कोमल, देन वी हैव हु एल्स, सूरज। आप सबके आंसर्स हैं, मैं एक बार डिटेल में, थोड़ा टाइम बीत गया तो मैं क्लास के में भी अभी डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटेड लगता है जब आप लोग क्लास में इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन जब होमवर्क की बात आती है तो अभी कल वाले क्लास के होमवर्क में सिर्फ 3 लोगों का, सुषमा, आशीष और सिर्फ एक आई थिंक और किसी का आंसर है, ये तो एम कुमार का, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो थोड़ा सा यार थोड़ा बकअप करो इस चीज़ को लेके, बिकॉज इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको मैं क्या मटेरियल दे रही हूँ, आपको मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, जब तक आप लोगों का ओपन इंगेजमेंट नहीं है इन क्लासेस में, आपका ये पेपर नहीं क्वालिफाई होने वाला। मैं आपको सीधा बोल रही हूँ, बहुत सीधी सी बात है। सो ये आपने इस बात का जो है ध्यान रखना है, ठीक है गाइस? चलिए क्लास शुरू करते हैं, बहुत टाइम बीत गया है, एक बार बाकी की बातों को बाद में कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है? आज का टॉपिक था जॉन ड्राइडन। फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देखिए और आंसर करना शुरू करिए। विच लिटरेरी वर्क बेस्ट कैप्चर्स अ सेंस ऑफ पोलिटिकल टर्मोइल, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द इशू ऑफ रिलीजन जस्ट आफ्टर द रेस्टोरेशन? कौन सा वो वर्क है जिसके अंदर बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेशन के इमीडिएटली बाद का जो एक रिलीजियस और पॉलिटिकल टर्मोइल है उसको जो है डिपिक्ट किया गया है? ऑप्शन वन थॉमस ग्रेस, सॉरी गेज बेगर्स ओपेरा, ऑप्शन टू बटलर्स ह्यूडिब्रस, ऑप्शन थ्री पोप्स डांसियाड, या ऑप्शन फोर ड्राइडन्स एब्सलम एंड अचीटोफेल। बताइए। फोन चार्ज नहीं था? अरे हाँ जी कोई बात नहीं, चलो कोमल नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। हाँ नेहा, आई रिमेम्बर यू टुक द कोर्स, यू टोल्ड मी यस्टरडे, वेलकम टू द क्लास। शाम को 6 बजे से क्लासेस शुरू होंगी ना हमारी। हाँ जी आंसर्स आने लग गए, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जॉन ड्राइडन, एब्सलम एंड अचीटोफेल। और कौन कौन आंसर करना चाहेगा, फटाफट कर दो। एब्सलम एंड अचीटोफेल, लुकिंग फॉर मोर आंसर्स गाइस। ओके ठीक है, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज इंडीड दिस, यू गाइस स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी नाइस 5 स्टार। सो बेसिकली एब्सलोम एंड अचीटोफेल जो है ये बेसिकली एक पॉलिटिकल एलिगरी है, पॉलिटिकल एलिगरी है। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, एलिगोरिकल कैरेक्टर्स, वो बिब्लिकल हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ एब्सलोम एंड अचीटोफेल से रिगार्डिंग, कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं बता रही हूँ। अगेन एनएफटी है। सबसे प्रॉब्लमेटिक बात पता है क्या है इस वर्क की? इस वर्क के अंदर जितने भी एलिगोरिकल कैरेक्टर्स हैं उनकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है गाइस, पर क्या करें क्या करें, हमें इसको करना तो पड़ेगा ही, ठीक है? सो या यस एम कुमार, देर आर लाइक 100+ स्टूडेंट्स इन द, यस अराउंड 80-90 बच्चे तो लाइव होते ही, 100 तक भी पहुंच जाते हैं, बिल्कुल। हाँ जी प्रॉब्लम विद दिस वर्क इज दैट इस पोयम के अंदर जो हमें एलिगोरिकल कैरेक्टर्स मेंशन हैं, ठीक है, शिमी, जिमरी, इनके जितने भी फिजिकल डिस्क्रिप्शन हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें फिजिकल डिस्क्रिप्शंस वाले पार्ट को जो कवर करना है, ठीक है? सो अगेन वो सारा उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, इट्स ऑल रीडिंग वाला पार्ट, जब हम पेड क्लास में करेंगे मैं आपको उसका मटेरियल प्रोवाइड भी ऑब्वियसली करूंगी, पर अगेन आप लोग अगर उस चीज को एक्टिवली लर्न नहीं कर रहे हो तो कोई मटेरियल आपको सेव नहीं कर सकता, कोई मटेरियल आपको रिडीम नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना इस बात का, जब हम पेड बैचेस में ये वाला टॉपिक को करेंगे तो हम लोग, आप लोगों को ध्यान से इसको करना पड़ेगा। जो लोग अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपने अभी तक
एब्सलॉम एंड अचिटोपेल के कैरेक्टर्स की फिजिकल डिस्क्रिप्शन वाले स्टैंजास को नहीं स्टडी किया है तो कर लो, उसमें से आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस आते हैं। सीधा एक डिस्क्रिप्शन की एक लाइन देंगे, सिर्फ एक लाइन दे देंगे और आपको बोलेंगे ये किस कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन थी। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, सो वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलो। हाँ जी कशिश, हाय, वेलकम टू द क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई होप आपको बहुत सारा बेनिफिट मिले हमारी क्लास से। ठीक है गाइस, हाँ जी चलो नेक्स्ट। पॉलिटिकल एलिगरी ही है, बिब्लिकल, इसमें कैरेक्टर्स को जो है यूज किया गया है। बेसिकली द क्वेश्चन, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द पोयम इज सक्सेशन का क्वेश्चन, सक्सेशन ऑफ किंग चार्ल्स द सेकेंड। चार्ल्स द सेकेंड के बहुत सारे इललेजिटिमेट चिल्ड्रन थे, ही हैड नो लेजिटिमेट हेयर्स टू हिज थ्रोन। एंड इसमें जो क्वेश्चन आ रहा था बेसिकली आ रहा था कि चार्ल्स सेकंड का एक ब्रदर थे जो जेम्स द सेकंड, या तो थ्रोन उनको मिलती, ठीक है, हु वाज अगेन आगे एक कैथोलिक से कैथोलिक पे जो है बात जाती, जेम्स द सेकंड वाज द कैथोलिक, लेकिन जो उस टाइम पे कंट्री के लोग थे वो चाहते थे एक प्रोटेस्टेंट किंग बने, तो इसका एक इनका एक इलेजिटिमेट सन को जो है आगे किया गया था। तो वो सारा पॉलिटिकल जो ड्रामा है वो सारा इस वर्क में डिपिक्टेड है, ड्रामेटाइज्ड है। सो बहुत ही कमाल की पोयम है, एंड इट इज़ इनफैक्ट आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट वर्क्स लाइन वाइज। इसके अंदर जिस तरीके से लैंग्वेज का यूज्ड है, हीरोइक कपलेट्स में ये वर्क को लिखा गया है, ठीक है, हीरोइक कपलेट्स में इसको लिखा गया है, और कितने कमाल के तरीके से इसमें सारी डिस्क्रिप्शन है गाइज, इट इज़ वेरी अमेजिंग। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है, और जो जो लोग YouTube से अभी इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, NFT है, डिटेल में सबकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, सबको आइडेंटिफाई कर पाओ, इस तरीके से नोट्स बना लो अपने पेपर में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का से। तो कैरेक्टर्स इसके कंफ्यूजिंग हैं पर हमें प्रिपेयर करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइडन्स ड्रामेटाइजेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज एंटाइटल्ड। ड्राइडन का एक अडेप्टेशन सॉर्ट ऑफ वर्क था ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, कौन सा था? ऑल फॉर लव, द स्टेट ऑफ इनोसेंस, एनस मिराबिलिस या रिलिजियो मेडिसी, बताइए कौन सा ऐसा वर्क है ऑफ जॉन ड्राइडन विच इज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? ऑल फॉर लव, द स्टेट ऑफ इनोसेंस, एनस मिराबिलिस या फिर रिलिजियो मेडिसी, बता दीजिए। ऑप्शन बी, एज ऑफ द स्टेट ऑफ इनोसेंस। ममता ऑप्शन बी, विश्वजीत ऑप्शन बी, अंजलि श्योर ऑप्शन बी, रीना कशिश, एवरीबडी श्योर ऑप्शन बी, सब लोग श्योर हैं ऑप्शन बी पे। अच्छा ठीक है, मतलब सबका सही सबका गलत वाला सिचुएशन रहता है ना ऐसे क्वेश्चंस में, पर ठीक है भाई, सेकेंड फाइव स्टार्स ऑफ द डे आपका, वेरी गुड, सेकेंड फाइव स्टार्स ऑफ द डे। सो बेसिकली द स्टेट ऑफ इनोसेंस वॉज बेसिकली रिटन एज अ लिबर्टो ऑन ऑफ एन ओपेरा दैट वॉज बेस्ड ऑन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का एक ओपरा परफॉर्मेंस होना था, उसके लिए जो उसका रिटन पार्ट है, जो उसका ड्रामेटिक पार्ट है, लिटरेरी पार्ट जिसको हम लिबर्टो बोलते हैं, उसके लिए जो स्क्रिप्ट प्रिपेयर की थी वो ड्राइडन ने की थी, द स्टेट ऑफ इनोसेंस। ठीक है, नथिंग मोर टू एक्सप्लेन, सीधा सीधा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट इन इंग्लैंड लिटरेरी हिस्ट्री वॉज, अगेन ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आगे आगे बढ़ते हैं, पर मैं आपको साथ साथ ये बताना चाहती हूँ, ये आपका नेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये आपका नेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। एक बार फिर से आप लोग फिर भी मुझे बता दीजिए ज़रा कि इफ़ यू नो द आंसर नॉट, आई होप कन्फ्यूजन ना रहे, इसका तो आंसर आना ही चाहिए ठीक से, नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है चलो क्लियर है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। अगर पॉइंट आता है द फर्स्ट पोएट लॉरिएट तो द आंसर वुड बी बेन जॉनसन। क्वेश्चन अगर आता है फर्स्ट पोएट लॉरिएट तो आंसर बनेगा बेन जॉनसन।
और अगर फर्स्ट ऑफिशियल ऑफिशियल वर्ड वहां पे अगर हम यूज कर लेते हैं तो आपका आंसर बन जाता है जॉन ड्राइडन. ठीक है, ड्राइडन अगर हम ऑफिशियल वर्ड यूज कर रहे हैं. ये आपका नेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है. नॉन ऑफिशियल बेन जॉनसन. ठीक है, बेन जॉनसन फर्स्ट अनऑफिशियल. अनऑफिशियल वर्ड कभी पेपर में आएगा नहीं. वैसे आप ऐसा मत सोचो कि ऑफिशियल अनऑफिशियल करके डिस्टिंक्शन है. वो ये ट्रिक क्वेश्चन है. मैं भी बीच बीच में देती हूँ ना आप लोगों को ट्रिक क्वेश्चन देती हूँ. जहां पे लैंग्वेज में हल्का सा ट्रिक होता है वहां पे लोग गलती कर जाते हैं. तो ये एक्चुअली मैंने शायद ये मेरे वाले पेपर में जो शायद मैंने फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट दिया था आया था उसमें. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वेरी क्लियर कट डिस्टिंक्शन होनी चाहिए. आज के टाइम में एक फेमस टॉपिक एक फेमस क्वेश्चन है पर मैंने ने 4 साल पहले दिया था 2018 में. तो उस टाइम पे ये इतना चलता चलाता क्वेश्चन था नहीं. उस टाइम पे ये फिर भी एक मैटर ऑफ कन्फ्यूजन ही था. तो बेन जॉनसन और ड्राइडन के बीच में ये कन्फ्यूजन सी तो थी. ठीक है, द हिंद एंड द पैंथर ट्रांसवर्स टू द स्टोरी ऑफ कंट्री माउस एंड द सिटी माउस इज अ सटायर ऑन. ये सटायरिकल वर्क द हिंद एंड द पैंथर. ठीक है, सॉरी इट इज रिटन बाय ऑफ कोर्स जॉन ड्राइडन. अगेन सॉरी ये थोड़े जनरल क्वेश्चंस हैं सारे के सारे. सो अगर पेपर में आपका आता है सो यू मस्ट रिमेंबर द आंसर इज जॉन ड्राइडन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. जॉन ड्राइडन डिस्क्राइब द मेजर इंग्लिश पोएट एज अ रफ डायमंड एंड मस्ट फर्स्ट बी पॉलिश्ड एयर ही शाइन्स. किस पोएट के लिए, किस इंग्लिश पोएट के लिए जॉन ड्राइडन ने कहा था दैट ही इज अ मेजर इंग्लिश पोएट हु इज लाइक अ रफ डायमंड. उसको पहले पॉलिश करना पड़ेगा उसका निखार निकालने के लिए. चौसर, गावर, हर्बर्ट, हेरिक, बताइए. हाँ जी, आंसर. आंसर्स आने लग गए हैं हमारे पास. ऑप्शन वन, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन वन, ऑप्शन थ्री. ज्यादा आंसर्स ऑप्शन वन है. एक दो आंसर्स ऑप्शन थ्री भी आए हैं. अच्छा, द हिंद एंड द पैंथर. इस पे मुझे ये भी बताओ तो इसका आंसर देख लेते हैं. करेक्ट है, बिल्कुल. जॉफ्री चौसर के लिए उन्होंने टर्म यूज की थी. उन्होंने कहा था कि चौसर के वर्क्स जो हैं, बिकॉज आज फॉर अ मॉडर्न इंग्लिश रीडर रीडिंग एन एंग्लो सैक्सन पोएट और समबडी ही वाज नॉट एन एंग्लो सैक्सन बट एन एंग्लो नॉर्मन पोएट समबडी यू नो विद द काइंड ऑफ इंग्लिश दैट इज लेस इजिली अंडरस्टूड इट माइट बी डिफिकल्ट टू रीड हिम बट वंस यू हैड अ ग्रास्प ऑन इट वंस यू अंडरस्टैंड रीडिंग और यू प्रैक्टिस रीडिंग चौसर then he will come across as a diamond. He will come across as a brilliant poet and writer. So, ये उन्होंने चौसर के बारे में कहा था. अच्छा, ये मुझे बता दो question, the hind and the panther से related, किस तरीके की allegory है उसमें? Social allegory, religious allegory, political allegory या literary allegory? बताइए. Option 1, 2, 3, 4, किस तरीके की allegory हम the hind and the panther में देखते हैं? Social, religious, political, literary. बताइए. जी गाइस, वेटिंग फॉर द आंसर्स एवरीबॉडी. विश्वजीत रिलीजियस, हु एल्स वुड लाइक टू आंसर? स्मृति रिलीजियस, कोमल रिलीजियस, अंजी श्योर है सबको? बिल्कुल ठीक है, चलो गुड गुड गुड. करेक्ट आंसर है रिलीजियस एलिगरी. करेक्ट गाइस. Next question. The Medal, a poem written by John Dryden in 1681, is subtitled A Satire Against Sedition, A Satire Against Tyranny, A Satire Against Greed, A Satire Against Apostasy. Acha guys, ye subtitle based questions bhi again. Subtitle based questions bhi hamare ek NFT hai. Theek hai na? Yaad rakhna. किसी भी वर्क का सबटाइटल दिखे ना तो अपने नोट्स बनाते हुए या पढ़ते हुए फटाफट से
सब टाइटल्स नोट डाउन कर लेना, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी, सेडिशन 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 सेडिशन। हाँ जी रुपिंदर, एनएफटी यानी नेट फेवरेट टॉपिक, एनएफटी का मतलब होता है नेट फेवरेट टॉपिक। हाँ जी चलो, करेक्ट आंसर है बिल्कुल गाइस, विद अनदर 5 स्टार्स, वेरी गुड। किसकी सेडिशन, किसके ऊपर है ये वर्क, सेडिशन चार्जेस किसके ऊपर लगे थे बताएंगे आप लोग, किसके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगे थे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और काफी एक मेजर हिस्टोरिकल इवेंट था, नेशनल इवेंट था, जिसको कि इमॉर्टलाइज किया था अपने इस वर्क के साथ उन्होंने, बताइए किसके ऊपर सेडिशन चार्जेस, सेडिशन एक्ट किस पे लगा था, ये आपका क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे बता दीजिए। आंसर तो ले लिया हमने, तो किस पे लगा था, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, बता दीजिए फटाफट से, किसी का आंसर नहीं आया, किस पे लगा था, ड्राइडन ने तो लिखा है, तो ड्राइडन पे तो नहीं लगा था ना, जॉन ड्राइडन ने वर्क लिखा है, सेडिशन एक्ट किस पे, चार्जेस किस पे लगे थे गाइस, दैट इज द क्वेश्चन, वेरी गुड। शुभांकी का आंसर राइट है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, नो नो सॉरी, नॉट हिम, नहीं नहीं, शैडवेल वाली वर्क तो मैकफ्लेक नो है, मैकफ्लेकनो में वो थॉमस शैडवेल को सेटायराइज कर रहे हैं, मैकफ्लेकनो में है शैडवेल, तो इसमें मेडॉल में, गाइस ये आंसर इज द अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी, अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी पे, अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी के कैरेक्टर को वो ऑलरेडी सेटायराइज कर चुके थे एब्सलॉम एंड अचिटोफेल में। एब्सलॉम एंड अचिटोफेल वाज रिटन राइट इन द मिडल ऑफ द पॉलिटिकल डिबेट दैट वाज हैपनिंग इन द कंट्री बैक देन अबाउट द सक्सेशन, द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन ऑफ किंग चार्ल्स II। तो उनके एक इललेजिटिमेट सन को पावर देने वाले कौन थे बेसिकली, वो थे अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी, ठीक है। तो वो जो पॉलिटिकल डिबेट के बीच में सटायराइज करने वाला वर्क था वो तो था एब्सलॉम एंड अचिटोफेल। फाइनली इनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लग गए थे कि अपने ही किंग के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने के चक्कर में इनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगे थे, और उस इवेंट को मार्क करती हुई पोयम थी द मेडॉल, अ सटायर अगेंस्ट सेडिशन। आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। एंड टीएस वाला ये जो क्वेश्चन आप ये लोग आंसर कर रहे हो, ये वाला मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मैकफ्लेकनो का है। मैकफ्लेकनो में ही विल सटायराइज शैडवेल थॉमस, ठीक है, थॉमस शैडवेल और टीएस जिनके लिए वो लिखते हैं ही वॉज अ ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट, द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट थॉमस शैडवेल, उनके ऊपर जो सेटायर वर्क है वो है इन मैकफ्लेकनो मेडॉल में अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी पे है। अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी को वो ऑलरेडी एब्सलॉम एंड अचिटोफेल में जो है सेटाराइज कर चुके हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी, और अब ये गलती नहीं होगी, ठीक है। वैसे आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, वेरी गुड, अच्छा आपका होल्ड है इस टॉपिक पे, बट ये वाला पॉइंट प्लीज क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एपोनिमस सेंट ऑफ सेंट ड्राइडन, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइज, नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ड्राइडन का जो ये पोयम है सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे, ठीक है ना, सेंट सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे, इसमें से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट है वो। हाय सुमन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास, वेलकम वेलकम। हाँ जी विश्वजीत, ऑप्शन टू,
सेंट सिसिलिया वॉज एन आर्मीनियन डिवोटी. ये मुझे लगता है हमने किया भी हुआ है, जो मेरी ये वाली क्लासेस थी ना ऑन ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई थिंक हमने उसमें ये किया हुआ है पॉइंट कवर. आई थिंक दिस वन हैज बीन डन. सो अगर आप लोगों ने वो क्लास किए फिर ये क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए. ठीक है, फटाफट मैं साइड हो जाती हूँ, ऑप्शन देख लो. ठीक है, करेक्ट, चलो 5 स्टार्स. अरे काउंट रखो 5 स्टार्स का, आज तुम लोगों की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी चल रही है. मेरा काउंट मिस हो गया है, मेरा काउंट चला गया है, तो जरा काउंट रखना कितने 5 स्टार्स मिल चुके हैं आप सबको. दिलीप हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास. हाँ जी, राइट आंसर है, सेंट सिसिलिया बेसिकली वॉज अ रोमन कैथोलिक. ठीक है, शी वॉज अ रोमन कैथोलिक मार्टियर. ठीक है, शी वॉज नॉट एन आर्मीनियन. सो ये क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, ये ऑप्शन यहाँ रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, अश्रित, आई रेड इन योर फीडबैक दैट द ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी ऑन ऐप इज बैड एंड द स्क्रीन शॉट इज नॉट अलाउड. अश्रित, यस, आई थिंक द स्क्रीन शॉट पार्ट इज नॉट अलाउड बिकॉज आई डोंट थिंक ऑडियो वीडियो क्वालिटी इज बैड. बट यू गाइज कैन टेल बेटर, यू गाइज कैन गिव अ फीडबैक बिकॉज वो हमें हेल्प करेगा वो चीज़ हमारी क्वालिटी इम्प्रूव करने में. बट स्क्रीन शॉट तो देखो अलाउड नहीं है. उसका रीज़न ये, कोई भी ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो ऑनलाइन रन करती है, अगर वो आपको ऑनलाइन मटीरियल प्रोवाइड कर रही है तो वो वहाँ पर अपने मटीरियल का प्रोटेक्शन रखती है. एंड वी आर नॉट द फर्स्ट कंपनी दैट इज़ डूइंग इट. सो बट येस, वी हैव फाउंड अदर मेथड्स बिकॉज अशित आपका आई थिंक स्टार्टिंग से यही डाउट है इस चीज़ को लेकर कि नोट्स कैसे मिलेंगे, नोट्स कैसे मिलेंगे. तो वो नोट्स का, नोट्स पहली बात तो हर क्लास में मैं देती हूँ, सब बच्चों के पास नोट्स हैं. अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हो और आपको चाहिए तो उसका भी सोल्यूशन हैज़ बीन फाउंड. पर्सनली नोट्स जो हैं आप तक आ जाएंगे. रेस्ट इज योर डिसीजन इफ यू वॉन्ट टू मूव अहेड विद इट और नॉट. ओके, हाई रश्मि, गुड आफ्टरनून. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, जॉन ड्राइडन इन हिज हीरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव टेक्स द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर्स. बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. जॉन ड्राइडन का ये जो वर्क है हीरोइक ट्रेजेडी है ऑल फॉर लव, इसमें कहाँ से स्टोरी उन्होंने अडेप्ट की है? ट्रॉयलिस एंड क्रेसिडा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, या मेजर फॉर मेजर? बताइए. ये भी एक नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आपका नेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है. मैम, क्या यूजीसी नेट का कोई न्यू बैच लॉन्च होने नहीं? मोनिका, आई एम सॉरी, नेट का क्योंकि दिक्कत ये है कि अभी हमारी सारी क्लासेस लाइव जा रही हैं, तो अगर कोई हम कोई नया बैच लॉन्च अभी उसका हम नहीं उसको मैनेज कर पाएंगे. सो अभी यही है कि जो बैचेस चल रहे हैं और हार्डली अभी 3-4 क्लासेज ही हुई हैं, सो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें. क्योंकि नया बैच अब हम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगले साल जनवरी में ही लॉन्च करेंगे. ठीक है, हाँ जी प्रतिभा, आपको, हाँ आपको दिक्कत नहीं आ रही ना ऑडियो वीडियो में? चलो दैट्स गुड. देखो YouTube as a सर्विस प्रोवाइडर, दे आर अ वेरी डिफरेंट थिंग व्हेन यू कम टू एनी कंपनीज ऐप. ठीक है, वी हैव आवर ओन सेटिंग्स. YouTube ऑफ कोर्स इज ऑफरिंग यू बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल कंपनी एंड यू नो, थोड़ा सा वहाँ मामूली डिफरेंस आ सकता है. बट आई डोंट थिंक, मतलब मैंने इससे पहले एक्चुअली ये रिव्यू कभी नहीं सुना कि ऐप पे ऑडियो वीडियो क्वालिटी बेकार है. हाँ, अगर आपकी तरफ से इंटरनेट का इशू है तो आपकी तरफ से वो दिक्कत आ सकती है. ठीक है, ये आप इंडिया के, मतलब हमारे पास इंडिया के ऑल ओवर, मतलब ऑल अक्रॉस इंडिया फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर वी हैव पीपल सिटिंग एंड अटेंडिंग आवर क्लासेस. सो अगर आपका नेट खराब है, ठीक है, तो आपको ऑडियो वीडियो डाउनलोड में दिक्कत आ सकती है, बहुत सीधी सी बात है. लेकिन एक्चुअली मैंने भी इससे पहले कभी रिव्यू नेगेटिव सुना नहीं है कि ऐप पे ऑडियो वीडियो की ज़्यादा दिक्कत आ रही है. बिकॉज जिनके पास नेट कनेक्टिविटी ठीक आ रही है वो 100% उसको रिव्यू करते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलिए, बाकी इज रेस्ट ऑन यू. हाँ जी, अच्छा है अंजलि, ऑडियो वीडियो इज बेटर. हाँ, रेजोल्यूशन हर फोन की भी अलग होती है और आपके इंटरनेट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है ना. यहाँ से अब वीडियो जैसी जा रही है, मुझे दिख रहा है, मेरे सामने स्क्रीन चल रही है इस वक्त की, इस वक्त यूट्यूब पे मेरी वीडियो कैसे दिख रही है, ऑडियो कैसी आ रही है, मुझे दिख रहा है इस वक्त. सो आई नो हम यहाँ से डिलीवर उसको ठीक कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आपकी तरफ से इंटरनेट का इशू है तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो आपको ही रिजॉल्व करना पड़ेगा अपनी साइड से. ठीक है, श्योर. हाँ जी, तो द राइट आंसर इज गाइस एंटनी एंड क्लियोपैट्रा.
एंटनी एंड क्लियोपैट्रा को डेडिकेशन के साथ. ऑल फॉर लव इज अ ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी प्ले, ठीक है. इसमें उन्होंने उनको एक शेक्सपियर को ओपन डेडिकेशन दी है और बहुत ही खुले तरीके से उन्होंने कहा है कि मैंने शेक्सपियर के इस प्ले से स्टोरी को पूरा का पूरा अडैप्ट भी तो क्या उन्होंने इमिटेट ही बोला है. ही हैज सेड कि आई हैव इमिटेटेड दैट स्टोरी, ठीक है. हाँ जी चलिए. नेक्स्ट. इन एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी हुम डज जॉन ड्राइडन रेफर टू एज द मोस्ट लर्नड एंड जुडिशियस राइटर विच एनी थिएटर एवर हैड. अपने फेमस क्रिटिकल एसे एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में जॉन ड्राइडन ने किस राइटर को, किस ड्रामेटिस्ट को द मोस्ट लर्नड एंड जुडिशियस राइटर विच द थिएटर हैड एवर सीन कहा है. फटाफट से बता दीजिए गाइड्स इसका आंसर. हाँ जी आंसर्स आने शुरू हो गए. ऑप्शन 3 सारा को कंफ्यूजन है 2 और 3 ऑप्शन में. आंसर 3 बेन जॉनसन, ठीक है. चलो गुड, नेक्स्ट स्टार्स आ गए आप लोगों के पास. करेक्ट आंसर है बेन जॉनसन, राइट आंसर है, ठीक है. करेक्ट आंसर ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है. जॉन ड्राइडन का एब्सलोम अचेटोफेल क्या है? पोलिटिकल एलिगरी का वर्क है. Which of the following statements on John Dryden is incorrect? आपके सामने 4 statements हैं. आपको बताना है इसमें से कौन सी statement incorrect है. चारों को read करो और चारुलता American panini किसको बोला जाता है? I don't know. Panini is a dish. It's actually a kind of a sandwich. मुझे नहीं पता आपका, मैंने डाउट ऊपर देखा था बट एक्चुअली मैंने आई वॉज जस्ट कॉमेंट फोकसिंग ऑन द कॉमेंट्स. आई एम सॉरी मैंने नहीं, मतलब कि किसी राइटर या किसी वर्क से रिलेटेड है. आई एम सॉरी क्योंकि मैंने ये टर्म पहले नहीं सुनी है. पनीनी इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ सैंडविच. सो आई डोंट नो लिटरेचर में इसका क्या रेलिवेंस. आई एम सॉरी मैं खुद पहली बार ही सुन रही हूँ. हाँ जी बताइए. जॉन ड्राइडन के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपने बताना है. जॉन मिल्टन एंड जॉन ड्राइडन वर कंटेम्प्रेरीज. ड्राइडन वॉज अ रॉयलिस्ट वाइल मिल्टन फियर्सली अपोज्ड मोनार्की. ड्राइडन रोट अ प्ले ऑन द मुगल एम्परर हुमायूं. ड्राइडन वॉज अपॉइंटेड द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड इन 1668. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. हाँ जी बताइए फटाफट से. गाइस लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, फटाफट से इसका बढ़िया सा आंसर कर दो. हाँ जी ऑप्शन सी है. सी इज इनकरेक्ट दैट ही ब्रोट अ प्ले ऑन द मुगल एम्परर हुमायूं. आशित ऑप्शन 4 दैट ही वाज अपॉइंटेड द पोएट लॉरिएट इन 1668. अच्छा ठीक है राइट आंसर देख लेते हैं गाइस क्या है इसका. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. मेजोरिटी आंसर इज करेक्ट. ठीक है अगर आपको ये पॉइंट नहीं भी पता तो थोड़ा बहुत आप एलिमिनेशन से कर सकते थे. ठीक है जॉन मिल्टन थोड़े पहले के हैं उनसे, जॉन ड्राइडन बाद के हैं. दोनों ऑलमोस्ट एक टाइम पे नहीं लिख रहे. जॉन मिल्टन जो हैं वो बेसिकली एक एंटी रॉयलिस्ट थे, ड्राइडन एक रॉयलिस्ट थे और ड्राइडन को पोएट लॉरिएट इंग्लैंड में 1668 में ही अपॉइंट किया गया था. ठीक है सो या अच्छा ओ द ग्रेमेरियन बेसिकली ओके ओके ओके
इंग्लिश पनीनी किसको कहते हैं? आई डोंट नो, आई एम सॉरी, मेरे को नहीं पता. किसी और को आंसर पता है इस क्वेश्चन का? ओके ओके ओके. तो सॉरी, आई मिसअंडरस्टूड द क्वेश्चन. आई इंग्लिश में सैक्सो द ग्रेमेरियन, मतलब वो, सॉरी आई एम जस्ट टेकिंग अ वाइल्ड गेस. क्या आंसर बनेगा इसका? मुझे भी नहीं पता, सॉरी. क्या आंसर बनेगा इसका? चलो क्लास यहीं खत्म करते हैं गाइस. होमवर्क आप लोग एक बार नोट कर लो साथ के साथ, होमवर्क जरा नोट कर लो. अच्छा, बैच का भी याद रखो गाइस. अब जिसको लेना है प्लीज ले लीजिए. ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सारा मटेरियल आप तक प्रिंटेबल फॉर्मेट में पहुंच जाएगा. और हमने बैच अब शुरू कर दिया, तो जितना आप अपना डिसीजन डिले कर रहे हो उतना ही आपका प्रोसेस डिले हो रहा है, क्योंकि अब अगला बैच अगले साल जान में ही रिलीज हो पाएगा. सीधी सी बात है. तो जो जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज बैच एक बार जरूर ले लें, एनरोल कर लें. और डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड Y542 बिकॉज आपको इससे डिस्काउंट मिलता है. तो कोड लगा के ही अप्लाई करना बैच के लिए, ठीक है गाइस? चलो फटाफट मेरे साथ दूसरी क्लास में चले जाओ. हम आपके फैकल्टी रिवील करने वाले हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट की, तो फटाफट से हमारे साथ वहां पे आ जाओ, ठीक है? चलो, आई विल सी यू गाइस टुमारो. बाय बाय, टेक केयर.